कोई खुशियों की चाह में रोया तो कोई गमों की पनाह में रोया। कोई खुशियों की चाह में रोया तो कोई गमों की पनाह में रोया। अजीब सिलसिला है जिंदगी का मेरे यारो, अजीब सिलसिला है मेरे जिंदगी का यारो। कोई भरोसे के लिए रोया तो कोई भरोसा करके रोया। तो नमस्कार, मैं हूं अंकुश आजाद और आप लोग देख रहे हैं न्यूज तक सिनेमा। तो चलिए दोस्त, आज एक छत्तीसगढ़ फिल्म जो आने वाली है जिसका नाम है माया के रंग। तो दोस्तों माया के रंग के बारे में बात करेंगे। उससे पहले जो भी हमारे दोस्त हमारे दर्शक हमारे चैनल पर नए, तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला घंटी जरूर दबाइए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हर फिल्म के बारे में अपडेट मिलती रहिए। चलिए, एक छत्तीसगढ़ फिल्म का ट्रेलर आ चुका है जिसका फिल्म नाम है माया का रंग। इस फिल्म के सबसे पहले कहानी के बारे में हम बात नहीं करेंगे। इसके कैमरे के पीछे जो काम करने वाले तमाम लोग होते हैं, निर्माता, निर्देशक, पटकथा, गीत संगीत यानी ETC, कौन कौन लोग कैमरे के पीछे काम करता है तब जाके एक फिल्म बनती है, तो उनके बारे में बताते हैं। चूंकि ये सब कोई नहीं बताता आपको, सभी लोग हीरो हीरोइन के बारे में बता देते हैं, भाई कौन एक्टर है कौन एक्ट्रेस बस। और यही एक चैनल जो आपको पूरा हर चीज ओपन करके बताता है और सबको सपोर्ट करता है और सबका साथ मिल के काम करता है। चलिए, तो इस फिल्म के निर्माता है अंजलि अजय सिंह, अतुल सिंह, अजय आदित्य सिंह। भाई इस फिल्म के तीन तीन निर्माता लोग हैं, अंजलि सिंह, अंजलि अजय सिंह, अतुल सिंह, आदित्य सिंह। इस फिल्म के सह निर्माता है धीरज सिंह बिसेन, कविता ललित। भाई यानी इस फिल्म को कुल टोटल प्रोवाइड 5 लोगों ने किया है। और चलिए इस फिल्म के निर्देशक के बारे में बात करते हैं, तो इस फिल्म के निर्देशक हैं ओम चौधरी और इस फिल्म की कहानी भी लिखा है धीरज सिंह बिसेन और ओम चौधरी ने। भाई दो लोगों ने कहानी बखूबी लिखा है, तो कितना कहानी अच्छी होगी मैं आपको बताऊंगा और कितनी घटिया है ये भी बताऊंगा। चलिए इस फिल्म का पटकथा के बारे में बात करें, तो इस फिल्म का पटकथा लिखा है मतलब स्क्रीन प्ले लिखा है ओम चौधरी और गीत लिखा है लोकेश ठाकुर और ओम चौधरी। भाई ओम चौधरी का बार बार नाम आ रहा है, भाई कितने कारनामे किए हैं ओम चौधरी। चलिए संगीत की बात कर रहे हैं, तो संगीत दिया है लोकेश ठाकुर जी ने और फिल्म में आवाज दिया है अपने गाने में रोशन राज, योगेश शर्मा, टी विशाल, मुनमुन चक्रवर्ती, सृष्टि नायक और दीक्षा दिनकर। और इस फिल्म को छायांकन किया है अमित टंडन और राहुल वर्मा जी ने। और इस फिल्म को एक्शन से भरपूर सजाया है संजू यादव जी और फिल्म का कोरियोग्राफर है हमारे मनोज दीप जी। भाई कमाल के लोग काम किए हैं, कितना कमाल के काम किए हैं आप लोग को इस फिल्म पे दिख रहा है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। चलिए इस फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में बात कर लें, नहीं हम ये आगे स्टार कास्ट के बारे में पहले बात नहीं करेंगे, सबसे पहले हम बाल कलाकारों की बात कर लें। भाई इस फिल्म में बाल कलाकार भी तमाम हैं, पीहू, कुक्कू, फरहान, फैजान, अभी, सोहन, गरीबत और अनन्या। भाई ये 5-6 बाल कलाकार हैं जो फिल्म में अपना डेब्यू कर रहे हैं। एक बार बाल कलाकारों का नाम मैं फिर से ले लेता हूँ, पीहू, कुक्कू, फरहान, फैजान, अभी, सोहन, गरीबत और अनन्या। चलिए अब स्टार कास्ट के बारे में बात करें, तो इस फिल्म के स्टार कास्ट हैं हमारे रियाज खान, दिया वर्मा, ओम चौधरी। भाई ओम चौधरी भी अभिनय भी इस फिल्म में किया है, भाई कमाल है। धर्मेंद्र चौबे, सरला सेन, विनायक अग्रवाल, निशान बजाज, ट्विंकल साहू, शैलेंद्र भट्ट, अमित देवसेन, शमशेर शिवानी, डोमर सिंह ठाकुर, DG बंजारे, तमाम लोग से भरी हुई फिल्म है। चलिए फिल्म की कहानी के बारे में बात करें, तो भाई फिल्म एक हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है कि अपना मन के श्याम सुनर लोग कहे कि बोलना। भाई कहानी का मतलब आप लोग तो समझ ही चुके हैं कि भाई दुनिया चांद पे जा चुकी है और ये फिल्म के डायरेक्टर हमारे ओम चौधरी जी अभी भी 90 के दशक में जी रहे हैं। भाई फिल्म की कहानी आप क्या बनाए हैं यार, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया, भाई क्या फिल्म बनाए हो आप। भाई जनता को, अब जनता जाग चुकी है, जनता फिल्म मिर्ची मसाला देखना पसंद करते हैं और आप 90 के सीन दिखा रहे हैं, तो क्या मतलब है फिल्म बनाने का। आपसे अच्छे तो ट्यूबर वाले वीडियो बनाते हैं भाई, मतलब ना लाइनअप सही है ना स्क्रिप्टिंग सही है
और आप सभी काम निर्देशक भी आप ही करेंगे, पटकथा भी आप ही करेंगे, गीत भी आप ही लिखेंगे, मतलब हर चीज आप ही करेंगे, तो भाई फिल्म का तो गुह गोबर होगा ही भाई। ओम चौधरी जी एक चीज पे कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट दिमाग खराब हो रहा है भाई, कॉन्सेंट्रेट कीजिए और फोकस कीजिए एक चीज पे, तभी तो वो चीज अच्छा होगा। बट आप हमारा गांव कहल बा कि दो नाव पे चढ़ना गाड़ फाड़ के मरना, आपने वही काम किया इस फिल्म के साथ, आपने कई चीज में पार्टिसिपेट कर दिया, मतलब पार्टिसिपेट क्या कर दिया, डायरेक्शन विभाग देख रहे हैं, लेखक विभाग भी देख रहे हैं, पटकथा भी देख रहे हैं, मतलब कई डिपार्टमेंट देखने के साथ साथ आपने फिल्म की फाड़ डाली है भाई। फाड़ तो लोग बम बनाते हैं, आपने तो फाड़ के उसमें मिर्ची मसाला डालने के चक्कर में आप फिल्म को ही धो डाला है भाई। ओम चौधरी जी, कम से कम आपको अगर 90 दशक की भी फिल्म बनानी थी तो कम से कम आप 90 दशक की फिल्म 10 देखते कंटिन्यूटी 20 दिन, फिर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बैठता। बट नहीं, हमको तो मायाकरण करना है, हमने भाई मायाकरण बता दिया। आप लोग इस फिल्म का अगर देखना चाहते हैं ट्रेलर, मैंने नीचे लिंक में दे रखा है, आप लोग जाके ट्रेलर देख सकते हैं। मैं इतना ही बस कहूँगा, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।